मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में काफी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके लिए एक और वीडियो बनने जा रहा है। इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो अनसॉल्व सॉल्व कराया जा रहा था वही सॉल्व होगा आपका। और आपने देखा कि 2021 में जो परीक्षा हुई उस परीक्षा का एक सेट अभी हमने सॉल्व किया, आज हम सेट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 में शुरुआत करते हैं पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों से। दिया गया है मासा, दिया गया है 99 और 153। ठीक है, 99 है और क्या 153 है। इनका एचसीएफ दिया गया मेरे को। साइलेंट रहेंगे सर, ध्यान से सुनते रहिए। 99, 153 का क्या दिया गया है? मासा कितना है? 9। ठीक है ना, तो पूछा लासा कितना होगा, बोलिए। हमें पता है एक फार्मूला ना, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या ये है गुणे दूसरी संख्या, समझ में आया, गुणे लासा यानी एलसीएम। और जब यहाँ पे गुणे मासा करेंगे तो वो मासा मुझे दिया गया 9, वो इधर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे बटे में, बोलिए। 9 से इसको काट दूंगा, 11, 9, 99, 11 इसमें गुणा कर, 11 3 33 के 3 3 आया कैरी, फिर 11 55 55 3 58, फिर कैरी 5 आया, 11 1 11 11 5 16 1683 आएगा आंसर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 सही है मेरा, समझ पाए। ठीक है, आज इस सेट को थोड़ा सा स्पीड में लेके चलेंगे। खा वाला है, द्विघात समीकरण है एक, 3x² + 5x + कितना है, 3 बराबर 0 के मूल है वास्तविक तथा बराबर वास्तविक तथा भिन्न, वास्तविक नहीं वास्तविक। ठीक है, मूलों की प्रकृति कौन बताएगा? डिस्क्रिमिनेंट, विविध कर, b² - 4ac। तो b² - 4ac की वैल्यू निकालूंगा। b² 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 - 4, a कितना है 3, c कितना है वो भी 3, 3 3 9 9 4 25 - 36 कितना हो जाएगा भैया, माइनस करना 11। अब चूंकि माइनस का 11 है, b² - 4ac का मान ऋणात्मक आया है, इज लेस देन 0, अतः मूल क्या होंगे, काल्पनिक असमान। ठीक है ना, तो मेरे ऑप्शन में देखता हूं काल्पनिक कहीं वर्ड यूज नहीं किया गया है, और एक जगह यूज किया गया वास्तविक नहीं, तीनों ऑप्शन में वास्तविक वास्तविक लिख रखा है, एक जगह वास्तविक नहीं। वास्तविक नहीं होने का मतलब क्या होगा, काल्पनिक। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसमें, तीसरा ऑप्शन। समझ में आया, आगे बात करते हैं। बिंदुओं -1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फार्मूला याद है सबको, -1, 3 और 5, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है मेरे को, बोलिए। पर x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, बस यही फॉर्मूला है ना, अंडर रूट रहेगा, यही भूल रहे हो, भुजों के अंतर का वर्ग प्लस कोणियों के अंतर का वर्ग, है ना, ऐसा याद करना अच्छा लगता है। तो भुज कौन कौन से, -1 और 5 का डिफरेंस अगर मैं करूं तो कितना हो जाएगा, यही होगा इसका होल स्क्वायर, प्लस अगर मैं इनकी कोटियों का अंतर करूं तो ये होगा -1 और -5 जुड़कर -6 हो जाएंगे, -6 का वर्ग करूंगा +6 आएगा 36, 3 में से 2 गया, 1 का वर्ग करूंगा 1, अंडर रूट 37 आ गया, बोलिए ऑप्शन में है कहीं, दूसरा ऑप्शन, समझ में आई बात। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 अंडर रूट 3 है और AC बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो कोण B है, कोण B का मान पूछ रहा है भैया। ABC है एक त्रिभुज, ठीक है ना, AB बराबर कितना उसमें 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 5√3 है और AC 10 सेंटीमीटर है, मुझे समकोण त्रिभुज होने की संभावना लग रही है ना, तो मैं एक बार पाइथागोरस थ्योरम चेक कर लेता हूं कि AB का स्क्वायर करते रहूं,
देखते रहिए, अगर मैं यहां पर AB का स्क्वायर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 25, BC का स्क्वायर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 5 25 25 75, AC का स्क्वायर निकालूंगा कितना हो जाएगा 100, इन दोनों को जोड़ने पर 100 बन रहा है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर किसके, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, AB स्क्वायर प्लस कितना BC स्क्वायर, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, इसका मतलब अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, और कर्ण इसमें कौन है आपका, एसी कर्ण बन रहा है ना, तो अगर आप एसी को कर्ण बनाते हुए एक समकोण त्रिभुज की रचना करो एसी, अब एसी बनाने के लिए ए यहां सी यहां या फिर सी यहां ए यहां, लेकिन एक बात तो कंफर्म है बी पक्का यहीं पे होगा, कौन बी की वैल्यू पूछा था, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो बी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, समझ पा रहे हैं सब लोग, ठीक है, ज्यादा स्पीड में तो नहीं है, टेन 45 प्लस ए बराबर कॉट 30 के 46 है, चलिए कोई बात नहीं 46 को भी देख लेंगे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, यदि टेन कितना भी 46 प्लस एक ए है ना बराबर किसके है कॉट 30 डिग्री के, आया? पूछ रहा है कोण ए का मान क्या होगा, भैया कोण ए का मान तो हम तब बता पाएंगे जब दोनों तरफ समान त्रिकोणमितीय अनुपात हो, तो मैं कोणों की तुलना कर सकता हूं, ठीक है ना, लेकिन अभी समान त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है ना, एक टेन है दूसरा क्या है कॉट है, तो आपको चेंज करना आता है, मैं इसको नहीं चिपकेड़ूंगा, मैं इसको टेन 46 प्लस ए ही रखूंगा और कॉट 30 को क्या कर दूंगा पता है, टेन के रूप में टेन 90 माइनस थीटा, क्या लिख सकता हूं यहां पर tan 90 माइनस थीटा कितना, बोलो समझ में आया, समझ पाए, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा पर वैल्यू चेंज होती cot थीटा cot 30 हो जाएगा और 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में रहेगा धनात्मक रहेगा, लिख सकते हैं ऐसा ना, अब दोनों तरफ समान त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए तो दोनों में कोणों की मैं जब तुलना कर लूंगा तो 46 प्लस ए बराबर 90 में से 30 घटा दो कितना आएगा 60 आएगा, तो A बराबर 60 माइनस 46, 60 में से 46 गया 10 में से 6 गए 4, 5 में से 4 गए 14 डिग्री, समझ पाए, ऑप्शन में है कहीं, पहला ऑप्शन अभी पहला ऑप्शन समझ में आया, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक ठोस है अर्धगोला है, अर्धगोला है कैसा गोला है अर्धगोला है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका वक्र पृष्ठ भी और प्लस ये समतल भाग जो है इसका भी क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ वाला क्या होता है भैया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² और समतल पृष्ठ ये वृत्ताकार होता है, वृत्त का क्षेत्रफल देख रहे हैं जोड़ के दिया कि नहीं कंबाइन करके दिया है, तो क्या कॉमन होगा इसमें से पाई और साथ अरे पाई आर, अरे 2πr² पाई आर स्क्वायर सब सेम तो है दोनों, कितने हो जाएंगे 3πr² है ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन हो गया, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो गए हैं, ठीक है ना, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सारे प्रश्नों पर, क्वेश्चन नंबर 2 का है कि एक द्विघात समीकरण है x² + 2x + 3/2, x² + 2x + 3/2 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है विविक्तकर, क्या ज्ञात करना है विविक्तकर, विविक्तकर क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, अब उर्दू में भी बोल इंग्लिश में बता रहा हूं फार्मूला क्या होता है भाई, b बराबर b² - 4ac ये होता है ना, तो सबसे पहले देखो तरीका से अगर लगाना चाहूं मैं इसको क्या करूं पहले कि मानक समीकरण क्या है ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर तुलना करने पर तो a बराबर b बराबर c बराबर 3/2 ठीक है ना,
तो डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी का स्क्वायर दो का वर्ग कितना हो जाएगा चार गुणे ए कितना है सी कितना है थ्री बाई टू दो एक के दो दुनाए तीन दुनाए चार में से छह गया माइनस दो प्रकृति तो नहीं बतानी थी ना नहीं क्या बताना था बोला दीक्षा विविध कर बताना है तो ले जाओ अपना विविध कर समझ पाए अगला क्वेश्चन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो का खा ठीक है ना दो के खा में एक त्रिभुज बनाकर दिया गया है और इतनी बातें मेरे को गिवन पॉइंट में दे रहा है बोल रहा है डी पैरेलल है बीसी के डी ये जो भुजा है मेरे किसके पैरेलल है बीसी के एडी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर इसको मैं यहां पर लगा लेता हूं कि एडी कितना है भाई 3 सेंटीमीटर और एई 2 सेंटीमीटर ए कहां है ये रहा 2 सेंटीमीटर डी भी 6 सेंटीमीटर डी से बी तक ये 6 सेंटीमीटर है तो ईसी पूछ रहा है ईसी तो थ्योरम में लगा देता है तुरंत ठीक है ना और एक नाम और क्या होता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ठीक है ना यदि किसी त्रिभुज में ठीक है ना किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दोनों रेखाओं को प्रच्छेद करती है ठीक है ना तो अगर आप समांतर खींच रहे हो तो उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है ठीक है ना तो यहां पर मैं लिखूंगा चूंकि लगा ठीक है देखिए चूंकि क्या चूंकि DE समांतर है किसके BC के और ये बात मैं अपने मन से लिख रहा हूँ किसके मन से लिख रहा हूँ दिया हुआ क्वेश्चन के मैं यहाँ पे बोलूँ ना गिवन पॉइंट है मेरा जी ठीक है ना तो क्या होगा कि AD का बटे कितना DB बराबर होगा AE के बटे EC कितने समीकरण एक अज्ञात राशि कितने की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं मैं एक की क्या तीन की वैल्यू मुझे पता है चार लोग हैं इसमें तीन की वैल्यू पकाना चाहिए एडी 3 सेंटीमीटर रख देता हूं डीबी 6 सेंटीमीटर एई 2 सेंटीमीटर ईसी नहीं पता ये तो ज्ञात करना है सब कुछ पता ही हो जाएगा ज्ञात क्या करूंगा मैं अब यहां पर क्या करूं 3 1 के 3 3 2 9 6 2 9 4 ईसी 1 के ईसी ईसी बराबर 4 सेंटीमीटर आंसर समझ पाए ठीक है ना नोट कर लीजिए आगे बढ़ते हैं चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की गाड़ी tan थीटा बराबर 1 दे रखा है और 2 sin थीटा * cos थीटा की वैल्यू पूछ रहा है ठीक है ना तो अगर मुझे को tan थीटा बराबर 1 दे रखा है तो मैं जानता हूं कि tan थीटा बराबर 1 tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है 45 बात समझ में आई 1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 45 दोनों तरफ यदि समान त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो उनके कोणों की तुलना कर सकता हूं थीटा इज इक्वल टू कितना पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन 2 sin थीटा थीटा मतलब 45 cos थीटा थीटा मतलब 45 बोलोगे 45 sin 45 का मान cos 45 का मान √2 √2 बराबर 2 काटा नहीं मैंने 2 आया और 2 से इसको काटा बराबर या आंसर आगे क्वेश्चन नंबर कहा इसका दूसरे का 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर कोण कितना है वृत्तखंड का 30 वृत्तखंड से त्रिज्यखंड 30 डिग्री है ना तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू कितना पाई आर स्क्वायर ठीक है ना थीटा कितना 30 डिग्री बटे 360 पाई की वैल्यू 22.7 दे रखा उसने फिर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर ना 14 गुणे कितना 0 कट गया 12 3 36 7 2 9 14 2 6 12 2 3 6 2 से 11 तो 3 तो कटेगा नहीं 14 गुणे 11 बटे 3 करना पड़ेगा ठीक है ना 14 गुणे 11 कितना हो जाएगा 11 चौक 44 और 11 1 11 4 15 बटे कितना ठीक है ना 14.9 में काट दो 3 5 15 फिर 3 1 3 1 बचा 10 हो जाएगा 3 3 9 3 3 आता रहेगा ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर समझ पाए
आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन के प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर तीन का क्या है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड में आता है, इसमें काफी लैंग्वेज होती है, तो इसके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो अभी अपलोड हो जाएगा, तो उसको आप पर्सनली देख लीजिएगा। मैं उस का वाले प्रश्न को छोड़ करके खा वाला लगा रहा हूँ। और यहाँ पे दिया गया x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0 और बोला जा रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब मुझे कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया है कि मैं ग्राफ से हल करूं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन, चार विधियां मैंने सीखी, मुझे किसी भी विधि से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। तो मैं विलोपन लगाता हूं यहां पर, जो सबसे सरल पड़ता मेरा, मैं देख रहा हूं यहां पर x का गुणांक बराबर, ठीक है ना, तो क्या लिख दूंगा, समीकरण एक और दो को क्या करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर, घटाने, ठीक है ना। तो x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0, घटाने के लिए क्या किया जाता है, चिन्ह बदल दिया जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये वाई माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, घट जाएगा, तीन में से एक घट जाएगा, दो वाई आएगा, और आंसर में चिन्ह किसका आता है, जो बड़ा होता है, बड़ा था तीन वाई, चिन्ह क्या था उसका, प्लस, तो प्लस में आएगा, 26 में से 0 जाएगा, 26 ही जाएगा, 2 से काट देंगे 13 आ जाएगा। अगर y की वैल्यू 13 आ रही है तो 13 y की वैल्यू 13 है, x माइनस, इसको उठा के इसमें रख दीजिए, x माइनस 13 बराबर किसके, 26 के, तो x बराबर 26 और 13, 39 प्लस 13 39, ठीक है ना, 26 प्लस 13 बराबर 39, समझ में आया, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि बिंदु Q, कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया बोर्ड पर, 0,1 है, बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, बिंदुओं P और किससे, R से समदूरस्थ है, कौन सा बिंदु, Q बोला गया ना, ध्यान से सुनिए, यदि बिंदु Q, यदि बिंदु Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, कोऑर्डिनेट मत पढ़िए, ठीक है, कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कोऑर्डिनेट एक बार लिख दिया मैंने, कोऑर्डिनेट बिना कोऑर्डिनेट के पढ़िए, यदि बिंदु Q बिंदुओं P व R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करना है, कौन समदूरस्थ है भैया, P और R, Q समदूरस्थ, Q P और R, ठीक है ना, हो सकता है लाइनर हो, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, अब वो मैटर मेरा नहीं है, मैं यहां पर बस इतना जानना चाहता हूं कि अगर Q तुम P और R दोनों से समदूरस्थ हो तो P से Q की दूरी और R से Q की दूरी दोनों बराबर होगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये डायग्राम मैंने केवल समझाने के लिए बताया, क्वेश्चन के सोल्यूशन में इसको आप नहीं लिखेंगे, चूंकि Q P व R से क्या है, सम दूरस्थ है, सम दूरस्थ है, तो Q से क्या, किसके, PQ, PQ बराबर किसके, QR के, ठीक है ना, तो PQ स्क्वायर बराबर भी किसके हो जाएगा, पता है ना, मैं वर्ग क्यों कर लेता हूं, अंडर रूट से डर लगता है मेरे, अंडर रूट कट्टू है, ग्लू है, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर बराबर किसके, क्यू आर स्क्वायर के, ठीक है ना। तो अब वर्ग करते, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती भैया, अंडर रूट, अंडर रूट तो हटा ही दिया, वर्ग कर दिया ना, बिना अंडर रूट लूंगा, भुजों के अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग, किसके किसके भुज, पी और क्यू के भुज, P और Q के भुज, 5 माइनस 0 क्या हो रही इसको, प्लस P और Q के कोटियों का अंतर, तो 5 माइनस क्या है, तो माइनस 3 माइनस 1 बराबर Q R का स्क्वायर, यानी Q और R के भुजों के अंतर का वर्ग, Q का भुज 0 और R का x, 0 माइनस x, x माइनस 0 कुछ भी लिखो, फिर कोटियों का 6 माइनस 1 आई बात। अब यहां पर 5 में से 0 गया, कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, माइनस 3 और माइनस 1 जुड़कर माइनस 4 हो जाएंगे, वर्ग करूंगा 16 हो जाएगा, वो भी प्लस का होगा, x में से 0 गया, x स्क्वायर ही रहेगा, 6 में से 1 गया, 5 का स्क्वायर 25, बोलिए 25 25 उड़ गया, उड़ गया भाई, x स्क्वायर बराबर 16 की, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16, प्लस माइनस अंडर रूट 16, आगे बोला चार, ठीक है ना, आंसर x की दो वैल्यू आएगी भाई, दो वैल्यू पॉसिबल है,